ओम शांति। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मज्ञान बड़े विस्तार से दिया हुआ है और संपूर्ण गीता में आत्मा की बहुत सारी खूबियों को भी गिनाया गया है। सचमुच अगर हम आत्मा के ज्ञान का प्रयोग जीवन में करने लगे तो बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। देखिए, मैं आत्मा के पहले सातों गुणों का वर्णन आपके लिए कर रहा हूँ। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान सारा आत्मा में ही भरा रहता है। अब आजकल क्या हुआ, उस ज्ञान के ऊपर बहुत सारा ज्ञान भर दिया गया तो वो असली ज्ञान तो छुप गया अंदर में, और बहुत तरह का ज्ञान जिसको वास्तव में ज्ञान नहीं कह सकते, जो मनुष्य को विजडम नहीं दे पा रहा है वो हो गया। दूसरा आत्मा का गुण है, आत्मा शांत स्वरूप है, शांति उसकी ओरिजिनल क्वालिटी है, उसका स्वधर्म है। लेकिन आज अशांत हुआ व्यक्ति न जाने क्या क्या क्राइम करता रहता है, समस्याओं को क्रिएट करता है, घर में उसे क्रोध आता है तो कितना बुरा हाल कर देता है, एक व्यक्ति हिंसा कर देता है, कितनी समस्याओं को जन्म मिलता है। आप अगर विस्तार करें, क्रोध जनित समस्याएं बहुत हैं दुनिया में। तीसरा आत्मा का गुण है, आत्मा सुख स्वरूप है, सुख से भरपूर है। सुख की कमी होने के कारण जब मनुष्य दुखी होता है तो छोटी बात भी उसे बहुत बड़ी लगती है, समस्याएं उसको पहाड़ की तरह नजर आने लगती हैं, उसे लगने लगता है मेरा इस संसार में कोई नहीं है, लोनली फीलिंग होने लगती है, मन डिप्रेशन की ओर चलने लगता है। चौथा गुण है आत्मा का, आत्मा प्रेम स्वरूप है। प्रेम, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, बदला, इसका वहां कोई स्थान नहीं है। और इसकी कमी के कारण, नफरत के बढ़ने के कारण, विशेष रूप से विभिन्न धर्मों में, विभिन्न संप्रदायों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कितनी बड़ी समस्याएं बनती रहती हैं। आत्मा पवित्र स्वरूप है, परम पवित्र है, सारे विकार समस्याओं को जन्म दे रहे हैं, काम से अनेक समस्याएं, क्रोध से बहुत समस्याएं, लोभ तो समस्याओं का बाप ही बन गया है, अहंकार वश मनुष्य ईर्ष्या द्वेष वश कितने बुरे काम कर रहा है। ऐसे ही आत्मा शक्ति स्वरूप है, ये छठा गुण है आत्मा का, बहुत शक्तिशाली है आत्मा। देखिए, इतनी शक्तिशाली है कि उसे अग्नि जला नहीं सकती, अग्नि में तो सब कुछ जल जाता है, उसे एटम बम की अग्नि भी नहीं जला सकती, तो कितनी पावरफुल हो गई। और ऐसी पावरफुल आत्मा हम हैं, मैं हूँ। अगर हम इस स्थिति में आ जाएं तो हम कितने शक्तिशाली होंगे, कितने निर्भय होंगे, कितने निश्चिंत होंगे। और सातवां आत्मा का गुण है कि आत्मा आनंद स्वरूप है, आनंद से भरपूर है, आत्मा हमेशा आनंदित रहती है, आनंदित रहना चाहती है। पर आजकल बहुत सारी बुराइयां उसको आनंद विभोर होने नहीं देती है। ये आत्मा के सात गुण हैं, इनकी कमी से, इनके अभाव से समस्याओं को बढ़ावा मिल रहा है। और इनका अभाव होने से, यानी इनकी कमी होने से, या उसके पीछे जो कारण है वो है मनुष्य का देह अभिमान में आ जाना, देह के धर्मों को अपने धर्म समझ लेना, देहधारियों से प्यार को सच्चा प्यार समझ लेना, अपनी आत्मिक प्यार को भुला बैठा है मनुष्य, अपनी स्थूल शक्तियों को, चाहे वो धन की शक्ति हो, चाहे तन की शक्ति हो, चाहे पद पोजीशन की शक्ति हो, इन्हें ही शक्ति मान लेना, और जो वास्तविक शक्ति है आत्मा की उसे नकार देना, ये बहुत हो गया है। इसलिए समस्याएं बढ़ रही हैं। तो हम बहुत अच्छा गहन चिंतन करें, एक एक गुण को अपने अंदर भरें। अगर हमारे इस संसार के 5% लोग भी आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएं, आत्मज्ञान में स्थित हो जाएं, तो उनके चित्त शांत होंगे, उनके घर में बहुत शांति के वाइब्रेशंस फैलेंगे। एक घर में मान लो 8 व्यक्ति हैं, मैं एवरेज कह रहा हूँ 5 से 8, उस घर में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा है, थोड़ी बहुत अशांति है, अगर कोई एक व्यक्ति भी वहाँ अभ्यास करेगा, ये सब आत्माएं हैं, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा देह है, मैं पीसफुल हूँ,
मुझसे पूरे घर में शांति की तरंगे फैल रही हैं। रोज अगर 5-7-10 मिनट 2-3 बार ये अभ्यास किया जाए तो घर में शांति के वाइब्रेशंस हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। आज के समय में शांति की बहुत आवश्यकता है। शांति की कमी के कारण मनुष्य अपने को नीरस अनुभव करता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए शांति के लिए वो बहुत कुछ तलाश करता है इधर उधर। पहले समय में तो लोग जंगलों में जाते थे, आश्रमों में रहते थे, घर छोड़ देते थे, मंदिरों में जाकर बैठ जाते थे, यहाँ बहुत शांति है। लेकिन वो तो क्षणिक शांति हो गई, कर्म तो हमें करना ही होगा। तो हम अपने शांत स्वरूप में स्थित होते चलें। और आप सब विस्तार से जानते हैं कि अनेक समस्याओं का कारण नफरत है, नफरत और बदले की भावना। इन दोनों चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। हम आत्मिक दृष्टि बनाएं, जैसे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो सब तो आत्माएं हैं, वो तो अजर अमर अविनाशी हैं। अगर हम अपनी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि बना लें, सब हम आत्माएं भगवान की संतान हैं, आपस में आत्माएं भाई भाई हैं, ये वननेस हो जाएगी। इससे ये नफरत भाव और बदले का भाव समाप्त हो जाएगा। बदले के भाव को समाप्त करना भी परम आवश्यक है। देखिए भगवान वहां अर्जुन को दूसरे अध्याय में ये कई बार कह रहे हैं कि तुम्हें बदले की भावना से युद्ध नहीं करना, पर तुम्हें युद्ध इसलिए करना है कि ये धर्म युद्ध है और तुम्हें धर्म के पक्ष में युद्ध करना है, चाहे वो आंतरिक युद्ध है या बाह्य युद्ध है। तो गीता ज्ञान इसको सुनने से हमारा चित्त निर्मल हो जाता है। वो गीता ज्ञान हम सभी को नफरत वैर भाव ईर्ष्या द्वेष से मुक्त करता है, विशेषकर आत्मज्ञान। इसलिए हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ें। संसार का बहुत सारा ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया है, स्कूल कॉलेजेज खुल गए। मैं हंसी किया करता हूँ कि देखो दांतों के डॉक्टर बनने के लिए भी आजकल 6-7 साल चाह रहे हैं, तब स्पेशलिस्ट होते हैं दांतों के। पहले बिना दांतों के स्पेशलिज्म के ही लोग दांतों का इलाज कर दिया करते थे। तो कितना ज्ञान बढ़ गया। एक आँखों के इलाज के लिए भी 4-4.5 साल MBBS के, फिर स्पेशलाइजेशन आई सर्जरी, कितनी मेहनत कर रहे हैं। आत्मा का ज्ञान तो बहुत छोटा है, बहुत संक्षिप्त ज्ञान है, 15 मिनट में सारा ही लिया जा सकता है। और उसका हम थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर लें तो हमारा जीवन सुख शांति चैन की ओर बढ़ जाएगा, हम दूसरों की ओर नहीं देखेंगे। ये भी समस्याओं का बहुत बड़ा कारण है ना। दुनिया में मनुष्य अपने से असंतुष्ट हुआ दूसरों की ओर देखता है, जिसको हिंदी में एक कहावत है, उसे दूसरे की थाली में खीर बहुत अच्छी लगती है, अपनी थाली खीर अच्छी नहीं लगती है। तो आत्मज्ञान के अभाव में ये कमजोरियां मनुष्य के अंदर आई हैं, इन कमजोरियों ने समस्याओं को बढ़ावा दिया है। अगर हम अपने को प्रेम स्वरूप बना लें, ये नफरत भाव हमारी छूट जाएगी, और ये भी उससे ही होगा, मैं आत्मा प्रेम से भरपूर हूँ। हम उठते ही 7 बार ये संकल्प किया करें, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, और मैं आत्मा प्रेम से भरपूर हूँ, मैं सभी प्राणियों के लिए, प्रकृति के लिए अपने मन में सच्चा प्रेम धारण किए हुए है, तो देखो प्रकृति भी सहयोग देगी, आपके सभी लोग फ्रेंड बन जाएंगे, आपके मित्रों की संख्या बढ़ जाएगी, शत्रुओं की संख्या घट जाएगी, सोल कॉन्शियसनेस आपको अनेक सुंदर अनुभव कराएगी, चित्त अपने में शांत और संतुष्ट रहने लगेगा, और आप अनेक समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। सो सवेरे उठते ही और सोने से पहले अवश्य आत्मिक स्वरूप में अपने को स्थित करने का अभ्यास करें। ओम शांति।